बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहा है, बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है, कभी पहला बेसिस पे कहा जा रहा है, तो कभी ये कहा जा रहा है कि जो नाम दिया गया है कहीं ना कहीं सही है। आपको क्या लगता है, पठान नाम देना तो फिलहाल गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता। मैं खुद ही पठान हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है पठान नाम सुन के, पठान ये पठान, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ इंसान को अच्छा लगता है ना अपना जो वो है, मैं पठान हूँ तो पठान मूवी आ रही है तो मज़ा आता है, कुछ एक्साइटमेंट आता है कि पठान क्या करने वाला है। जैसे सलमान साहब की एक मूवी आई थी बजरंग बली, वो बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान, तो उसमें तो दोनों ही था ना, तो उसमें फिलहाल मैं रिलीजन से नहीं सोचती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन ऑल रिलीजन, मैं अल्लाह पाक को भी मानती हूँ, आई लव शिव जी, तो मेरे लिए तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। बट हाँ कलर से तो मुझे ये समझ में नहीं आया क्या पॉलिटिक्स है, मैं भी ग्रीन कलर की बिकनी पहन चुकी हूँ, ऑरेंज कलर की, सभी पहनते हैं, लेकिन उससे रिलीजन से थोड़ी रिलेटेड है। साजिद सर तो गायब हो गए, बट अच्छा खेल रहे थे वो, शिव ठाकरे और प्रियंका चौधरी, अंकित, अर्चना शायद टॉप सिक्स तक जाएगी, डेफिनेटली जाएगी, और कौन यार, मैं चाहती हूँ एमसी स्टैन भी आना चाहिए, वो भी अच्छा ही है, ज़बरदस्त है, अच्छा लगता है मुझे, और चार वो है ना, आई डोंट लाइक टीना, नहीं जाए, मैं नहीं चाहती टीना नहीं जाए, रीज़न है इसके बिहाइंड। अरे यार वो शालिन और उन दोनों का बहुत फेक लगता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, वो कैमरे की तरफ देखती है जब गला लगती है, उसके हक करती है, उसके बाद उसी की बुराई करती है, फिर उसी के पास जाकर बैठ जाती है, मेरे को समझ नहीं आता। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिन्नाज वाला ऐसा कुछ लुक करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं वो तो आया नहीं बिल्कुल, वो तो वो चीज़ें नहीं आई, क्योंकि सिद्धार्थ का जो अलग ऑरा था, जो सिद्धार्थ करता था, वो शालिन थोड़ी कर पा रहे हैं।